चलिए, तो बिल्कुल जैसा आपको दिख रहा है, आज अपना टारगेट ये है कि ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है डीसी पर, यस या नो। तो एक वर्ड में आंसर ये है कि भाई ट्रांसफॉर्मर है ना डीसी पर काम नहीं करता, हमने लिख रखा है नो। मतलब हमने लिखा है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो डीसी पर कार्य नहीं करता। जी ये तो बढ़िया है, तो हमें पहले ही पता था कि ट्रांसफॉर्मर डीसी पर कार्य नहीं करता। अब हमारा टारगेट ये, हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं करता। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखो कैसे हमने किया। सबसे पहला स्टेप हमारा फर्स्ट, पहला स्टेप ये है कि हमने डीसी वोल्टेज है सप्लाई, डीसी वोल्टेज सप्लाई है, इससे हमने इस प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया है, प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया है। मतलब ट्रांसफॉर्मर को हम सप्लाई देना चाहते हैं, किसको देते हैं, वाइंडिंग को। कौन सी वाइंडिंग? प्राइमरी। उसको हमने डीसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे हम डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, डीसी करंट फिल होगी। भाई वोल्टेज करंट क्या फिल होगी? डीसी करंट। ये भी कहां फिल होगी? प्राइमरी वाइंडिंग में। मतलब बढ़िया वोल्टेज कनेक्ट किया तो वोल्टेज के कारण ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, कॉपर की वाइंडिंग, इसमें एकदम बढ़िया क्या फिल हो रही है? करंट। समझाना क्या चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को डीसी से क्यों कनेक्ट नहीं करते या ट्रांसफॉर्मर डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता। अब देखो जो थर्ड स्टेप है उसमें हमने ये मान लिया कि मान लो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में फिल होने वाली करंट 4 एम्पियर है। हमने अपनी मर्जी से मान लिया, ये 3 एम्पियर भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी, हमने मान लिया कि करंट कितनी है? 4 एम्पियर। अब देखो ये जो 4 एम्पियर करंट है ये कहां फिल हो रही है? 1 2 3 4 5, 5 टर्न में से फिल हो रही है। तो हुआ क्या, एकदम बढ़िया डीसी करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग में से फ्लो हो रही है। अब हमने मान लिया 5 टर्न है, तो 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 20 एम्पियर टर्न। और हम आपको रोज रोज बता रहे हैं कि एम्पियर टर्न किसकी यूनिट होती है? एमएमएफ की, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और उसके कारण क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये बहुत खुशी की बात है कि डीसी से भी क्या बन गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो हम आपको समझा रहे कि डीसी क्यों नहीं। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर है, हाँ जी ट्रांसफॉर्मर ही चल रहा है, ट्रांसफॉर्मर में क्या है? कोर है जी, कोर के अंदर क्या है? पत्तियां हैं, पत्तियां किसकी बनी है? सिलिकॉन स्टील की। उस सिलिकॉन स्टील में क्या आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। हम बार बार कह रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहां है? ट्रांसफॉर्मर की कोर की पत्ती जो सिलिकॉन स्टील की बनी हुई उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, यानी कि ये जो कोर है इसमें एकदम बढ़िया क्या आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। इस कोर में एकदम बढ़िया मैग्नेटिक फ्लक्स है। चलिए यहां तक भी ठीक है। अब ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमने मान ली हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। इन दोनों से संपर्क हो रहा है किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक कर रहा है और सेकेंडरी वाइंडिंग से भी। जी हम कहना ये चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता, इसके लिए हमने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका संपर्क हुआ किससे? प्राइमरी वाइंडिंग से भी और सेकेंडरी वाइंडिंग से भी। तो अब हमें अचानक याद आता है माइकल फैराडे, हमें अचानक माइकल फैराडे याद आता है। माइकल फैराडे ने यह कहा था कि यह कोई वाइंडिंग है, एकदम बढ़िया हमने मान लिया ये कोई वाइंडिंग है, यानी कि ये कॉपर की वाइंडिंग है, ना इसमें वोल्टेज है ना इसमें करंट है। अगर इस कॉपर की वाइंडिंग का संपर्क हो जाए किससे? मैग्नेटिक फ्लक्स से, तो इस कॉपर की वाइंडिंग में क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का संपर्क हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग से और सेकेंडरी वाइंडिंग से, तो इनमें क्या उत्पन्न होना चाहिए? ईएमएफ। लेकिन बहुत सावधानी से बात ध्यान रखो, माइकल फैराडे ने यह भी कहा था कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना ये अल्टरनेटिंग होना चाहिए, और काय का अल्टरनेटिंग? ये मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता होना चाहिए। और बदलते होने का क्या मतलब है? जैसे जमीन से हम पहाड़ पर जाते हैं तो हर एक पॉइंट पर हमारी ऊंचाई अलग अलग रहती है। तो माइकल फैराडे ने कहा कि इस कोयल में, इस कॉपर के तार में ईएमएफ उत्पन्न होगा, लेकिन ईएमएफ उत्पन्न तभी होगा जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता हुआ हो। लेकिन आपको पता है ये जो डीसी वोल्टेज डीसी, करंट डीसी, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेटिंग नहीं है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ना तो प्राइमरी वाइंडिंग और ना सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। तो कहना क्या चाहते हैं हम यहां से? निष्कर्ष ये निकल रहा है चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, दोनों केस में कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। लेकिन एसी का मैग्नेटिक फ्लक्स तो बदलता हुआ होगा अल्टरनेटिंग, जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमारी जमीन से ऊंचाई अलग अलग, तो एसी का फ्लक्स तो बदलता हुआ होगा, डीसी का फ्लक्स बदलता नहीं है। इसके कारण जो डीसी का फ्लक्स है
इसके कारण दोनों वाइंडिंग में कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता, यानी कि ईएमएफ ना प्राइमरी वाइंडिंग में ना सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब ईएमएफ नहीं है तो इसका में क्या नुकसान है, स्टेप सेवन, इधर जाने वाली जो करंट है यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है, ये करंट होती है वास्तव में V1 माइनस E1, यानी कि ये जो इस वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। अच्छा, तो आपकी करंट क्या हो जाएगी, V1 माइनस E1 अपॉन R1। V1 हमने अपनी मर्जी से वैसे ही मान लिया कि डीसी वोल्टेज 200 वोल्ट है। अब आपको पता है ये जो आपका डीसी फ्लक्स है इसके कारण उत्पन्न होने वाला ईएमएफ का मान क्या है, 0, और रेजिस्टेंस का मान 0.1, तो 0.1 हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, तो करंट कितनी होगी 2000 यानी 2000 एम्पियर। वेरी वेरी हाई करंट है ये, प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत ही ज्यादा हाई क्या फिल होगी, करंट फिल होगी। और प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हाई करंट फिल होगी तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, डैमेज। प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, डैमेज। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि ट्रांसफॉर्मर को डीसी से क्यों नहीं कनेक्ट करते, वो इसलिए नहीं करते कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, डैमेज। लेकिन ध्यान रखना सेकेंडरी वाइंडिंग डैमेज नहीं होगी, ये बात ध्यान रखें। केवल कौन सी वाइंडिंग डैमेज होगी, प्राइमरी वाइंडिंग डैमेज होगी। अच्छा, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, अब एकदम बढ़िया थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। यहां डीसी वोल्टेज है, हमने प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट किया है। अगर ये एसी वोल्टेज होता तब भी हम प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट करते। डीसी वोल्टेज कारण क्या फिल हो रही है वाइंडिंग में, डीसी करंट। अगर ये एसी होती तो एसी करंट भी फिल होती। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया करंट 4 एम्पियर, टर्न 5, तो 5 × 20 एम्पियर टर्न, एमएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी होती है, भले ही डीसी हो भले ही एसी हो, दोनों से मैग्नेटिक फ्लक्स तो आएगा ही। अब हमने आपको बताया मैग्नेटिक फ्लक्स है कहां, ट्रांसफार्मर की कोर की पत्ती के सिलिकॉन स्टील में, और काई का सिलिकॉन स्टील आपको पता है ज्यादा मात्रा में इसमें क्या होता है, आयरन। तो लोहा एकदम बढ़िया मैग्नेट बन गया। जब इस मैग्नेट का संपर्क होगा प्राइमरी वाइंडिंग से और सेकेंडरी से, इस मैग्नेट का संपर्क होगा किससे, प्राइमरी वाइंडिंग से और सेकेंडरी से, तो ना प्राइमरी में ईएमएफ आएगा ना सेकेंडरी में, यानी कोई भी वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। क्यों, माइकल फैराडे का ये कॉपर का तार है या ये कोयल है या ये वाइंडिंग है, इसमें ईएमएफ तभी उत्पन्न होगा जब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये बदलता हुआ हो, ये बदलता हुआ नहीं, इसलिए दोनों में ईएमएफ नहीं है। तो इससे क्या नुकसान हुआ, इधर जाने वाली करंट है वो होती है V1 माइनस E1, E1 का मान 0, तो आपका ये हमने V1 वैसे 200 मान लिया अपॉन 0.1, तो 2000 एम्पियर, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत ही हाई करंट फिल होगी, इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, डैमेज। तो क्या निष्कर्ष निकलता है, कभी भी ट्रांसफॉर्मर है उसको डीसी पे नहीं कनेक्ट करना चाहिए, प्राइमरी वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी। और बीइंग इंजीनियर आप ध्यान रखें, इसमें बिजली तभी बनेगी जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेटिव हो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता हुआ हो, और एसी में फ्लक्स बदलता हुआ होता है इसलिए यहां ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है तो ये सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, इसलिए करंट क्या हो जाती है, घट जाती है। डन और नो डन, चलिए ठीक है।